हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूक्रेटिक, किसे कहते हैं। तो यूक्रेटिक में देखने से पहले अपन देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। तो क्या मतलब होता है देखते हैं हम सिंपल। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसमें यही दिया है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से आरएनए में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस होती है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो डीएनए से आरएनए के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। तो क्या कहते हैं डीएनए से आरएनए प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इसमें एकला आरआरएनए होता है इसमें, और यूकैरियोटिक में टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए की सिंथेसिस अलग अलग होती है। मतलब इसमें आरएनए प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है एक ही अंदर जो सारे आरएनए की सिंथेसिस कर लेता है। बट यूकैरियोट्स में सब आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए के लिए अलग अलग आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपन देखते हैं कैसे, पहले इसकी देख लेते हैं प्रोसेस की यूनिट्स क्या क्या होती हैं और कैसे काम करता है। तो अपन देखते हैं ये प्रोसेस होती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या बोलते हैं, 5 डेज से 3 डेज, एक स्ट्रैंड 3 डेज से 5 डेज। तो जो 5 डेज से 3 डेज स्टैंड होता है उसको बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो डीएनए से आरएनए बनता है तो उसके जैसे ही होता है, इसमें क्या होता है एडेनिन से थायमिन रहता है। तो आरएनए में क्या होता है यूरेसिल ऐड होता है एडेनिन से थायमिन की जगह, बाकी ये स्टैंड होता है आरएनए के समान ही। और ये टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड का यूज करके ही इसमें पोलराइजेशन क्या पाई जाती है, आरएनए इसकी पोलीमराइजेशन की, आरएनए पोलीमराइज की 5 डेज से 3 डायरेक्शन में। तो पोलराइजेशन तो 5 डेज से इसे स्टार्ट होना है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये 3 से 5 डेज में यूज करके ही ये आरएनए की सिंथेसिस करता है, तो ये कहलाता है टेम्पलेट स्टैंड। देखते एक बात और देखते हैं, इसमें डीएनए से आरएनए बनता है तो इसमें दोनों स्ट्रैंड का यूज करके ये आरएनए क्यों नहीं बनता। इसमें देखते हैं ये 5 डाय से 3 डायरेक्शन, ये 3 से 5। तो जब इससे आरएनए बनेगा मतलब बन जाए तो वो आरएनए 3 से 5, इससे जो बनेगा वो 5 से 3 आरएनए। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होते हो गए तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करेंगे फर्दर। तो इसलिए ये एक रीजन तो ये हो गया कि ये दोनों स्ट्रैंड से आरएनए की सिंथेसिस नहीं होती। सेकंड रीजन क्या होता है, अगर मतलब दोनों स्ट्रैंड्स ये आरएनए अलग मतलब बाय चांस अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री ना भी हो, एक दूसरे के हाइब्रिड का फॉर्मेशन ना करे, अलग अलग हो, तो जब इसमें इसके कोडोन्स एंटीकोडोन्स मिलके प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे तो वो प्रोटीन डिफरेंट प्रोटीन होंगी, दोनों आरएनए से डिफरेंट प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक डीएनए से डिफरेंट टाइप की प्रोटीन का फॉर्मेशन हो, इस बेस पे ये दोनों स्ट्रैंड से प्रोटीन ये आरएनए नहीं बनता। ये पोलरिटी क्या होती है इसकी, 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन में ये होगी। अपन देखते हैं इसके आगे यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो इसकी यूनिट्स देख लें पहले, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स। तो ये इसमें 3 यूनिट्स होती है मेन, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर।
तो ऐसे होता है, या प्रमोटर, ये स्ट्रक्चरल थिंग और ये टर्मिनेटर। तो इस प्रकार ये ट्रांसक्रिप्शन की 3 यूनिट्स होती है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, जिनसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो अपन देखते हैं जीन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एंड सिस्ट्रोन क्या होता है, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। मतलब इसमें ये होता है कि ये इस पूरे पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, जीन। सिस्ट्रोन क्या होता है, सिस्ट्रोन होता है कि इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस पाई जाती है, क्योंकि ये पूरी सेगमेंट से अपन प्रोटीन का सिंथेसिस या आरएनए का सिंथेसिस नहीं कर सकते। तो जितने सेगमेंट का आरएनए से सिंथेसिस होगा आरएनए के रूप में, उस पार्ट को बोलते हैं सिस्ट्रोन और इस कंप्लीट पार्ट को बोलते हैं जीन। तो अपन इसकी प्रोसेस देखते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेटर टर्मिनेशन एंड टर्मिनेटर इलोंगेशन देखते हैं। इलोंगेशन में क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए में देखते हैं अपना कौन कौन से एंजाइम्स जो होते हैं वो किस किस आरएनए सिंथेसिस में यूज होते हैं। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो कंप्लीट तीनों आरएनए का सिंथेसिस करता है। बट यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग एमआरएनए टीआरएनए आरएनए के सिंथेसिस में यूज में होते हैं। तो देखते हैं कौन सा आरएनए किस में होता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज, सेकंड आरएनए पॉलीमरेज, थर्ड तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा आरएनए की सिंथेसिस होती है। इसमें 28S 18S 5.8S आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा एमआरएनए की सिंथेसिस की जाती है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा टीआरएनए की सिंथेसिस, 5S आरएनए की सिंथेसिस, एसएन आरएनए की सिंथेसिस। तो इस प्रकार ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड अलग अलग आरएनए की सिंथेसिस करते हैं। तो अपन देखते हैं अब आगे प्रोसेस। ये प्रमोटर रेजिन स्ट्रक्चर और ये टर्मिनेटर। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड ये सिंथेसिस करते हैं आरआरएनए की और टीआरएनए की। तो यहाँ के बाइंड होते हैं, फिर ये इसको टेम्पलेट के रूप में यूज करके आरएनए की और एम आरआरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये जब टर्मिनेटर साइड आ जाती है तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से रिलीज हो जाता है एंड प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। बाइंड हो जाता है तो टर्मिनेट आते ही ये रिलीज हो जाता है आरएनए। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ये तो होता है आरएनए और टीआरएनए की सिंथेसिस। एमआरएनए की सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें अलग होता है थोड़ा सा, अपन देखते हैं कैसे।
क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड यहाँ के बाइंड हो जाता है, फिर ये स्टार्ट करता है सिंथेसिस, ये स्टार्ट करता है तो यहाँ पे फिर 1.5 कंप्लीट होने के बाद इसमें क्या कौन कौन सी प्रोसेस होती है जो कम होती है एक टीआरएनए पे टर्मिनेटर। तो इसमें और भी सिंथेसिस होती है, जैसे इसमें यहाँ पे अब प्रोसेस होगी कैपिंग, टेलिंग एंड स्पाइसिंग। तो एमआरएनए में ये तीनों प्रोसेस होती है, टीआरएनए और आरएनए में ये नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कैपिंग में क्या होता है 5 एंड पे गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट मेथाइल मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आके ऐड होती है 5 डायरेक्शन पे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कैपिंग। स्पाइसिंग प्रोसेस क्या होती है जब ये एमआरएनए सिंथेसिस होता है तो प्रीमेच्योर एमआरएनए होता है, ये मैच्योर एमआरएनए नहीं होता, तो इसको प्रीमेच्योर क्या होता है हेटरोजीनियस न्यूक्लियर एमआरएनए। इसमें क्या होता है इसमें कोडिंग और प्लस नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जिन्हें क्या बोलते हैं एक्जॉन एंड इंट्रॉन। ये एमआरएनए है तो यहाँ पे एक्जॉन फिर इंट्रॉन फिर एक्जॉन। तो स्पाइसिंग प्रोसेस में क्या होती है ये रिमूव को इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है और एक्जॉन को ऐड कर दिया जाता है एक्जॉन फर्स्ट एक्जॉन सेकंड। इनको सेकंड इनको ऐड कर दिया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पाइसिंग। तो इस प्रकार ये इसमें स्पाइसिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। थर्ड होती है टेलिंग। तो टेलिंग प्रोसेस में क्या होता है जब एमआरएनए यहाँ से सिंथेसिस होता है तो यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉली एडेन क्या एडेन ये पॉली एडेन मतलब 200 से 300 एडेनिन यहाँ पे इसकी थ्री एंड पर ऐड होती है तो इसको बोलते हैं टेलिंग प्रोसेस। पॉली एडेनिन जो इस पर ऐड होती रहती है तो इसको बोलते हैं टेलिंग प्रोसेस। तो इस प्रकार एमआरएनए में ये थ्री प्रोसेस कंप्लीट होती है यूकेरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। इस प्रकार ये इसमें थ्री प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस प्रकार ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यूकेरियोटिक में कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल। थैंक यू।